करीब करीब 10,000 से अधिक पेजों की उस चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं था। और आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने उसी मामले में चार्जशीट दर्ज कराई राउज एवेन्यू कोर्ट में। 3,000 से अधिक पन्नों की उस चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं। पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी पानी पीपी के मनीष सिसोदिया जी, जो भारत देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए हर गली मोहल्ले में जाकर चीखती है, चिल्लाती है, गालियां देती है, आरोप लगाती है, और आज जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करी तो उस चार्जशीट में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं डाला। आज ईडी और सीबीआई दोनों ने मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट देने का काम किया है। एफआईआर जो सीबीआई ने दर्ज करी, उस एफआईआर का नाम था सीबीआई वर्सेस मनीष सिसोदिया। जो ईसीआईआर, जिसे ईडी की भाषा में एफआईआर कहते हैं, ईसीआईआर जब दर्ज हुई उसका भी टाइटल ईडी वर्सेस मनीष सिसोदिया था। और इन दोनों जांच में मनीष सिसोदिया जी का चार्जशीट में नाम तक नहीं है। साथी सीबीआई और ईडी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने पिछले 4 महीनों में 800 से ज्यादा अफसरों की फौज लगाई। जो अफसर दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हैं, और उन्हें एक ही लक्ष्य दिया गया कि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालो। जेल में डालने की इस कवायद में इन 800 से अधिक अफसरों ने 1,000 से ज्यादा जगहों पर रेड करी। यह रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर भी हुई, यह रेड मनीष सिसोदिया जी के बैंक लॉकर पे भी हुई, यह रेड मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव में भी हुई, ये रेड मनीष सिसोदिया जी के तमाम रिश्तेदारों के उनके ठिकानों पे हर जगह हुई। लेकिन बीजेपी को रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं मिला। आप खुद ही सोचिए कि 6 महीने सड़क पे घूम घूम कर मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचारी कहना, कोई शराब घोटाला हो गया ये चिल्लाना, ये कहने के बाद आज बीजेपी की एजेंसियां कोर्ट में चार्जशीट जब दाखिल करती हैं, जब कोर्ट में सबूत देने की बात आई, तो मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत इन बीजेपी की एजेंसियों के पास नहीं था दिखाने के लिए कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार, कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया। आज सीबीआई हो, ईडी हो, भाजपा हो, पीएमओ हो, सबने मनीष सिसोदिया जी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। आम आदमी पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने का काम किया है। साथियों आप खुद ही सोचिए कि जब गुजरात के चुनाव 4 दिन दूर हो, जब नगर निगम के दिल्ली के चुनाव 7 दिन दूर हो, और बीजेपी के पास रत्ती भर भी सबूत होता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, तो पूरे शहर में, पूरे देश में घूमकर ढिंढोरा पीटती बीजेपी, छत पे चढ़ के पानी पी पी के मनीष सिसोदिया जी को गाली देती। लेकिन बीजेपी, ईडी, सीबीआई, इनमें से किसी के पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है। और ईडी और सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट देने का काम किया है। और यह क्लीन चिट यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है भारत देश की जो कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता हैं इस देश के जो कट्टर ईमानदार है। हमारी जांच भाजपा के लोग पिछले 7 सालों से करा रहे हैं। 2015 में जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, तब से लेकर आज तक हर रोज कोई नई जांच होती है। पहले उपराज्यपाल नजीब जंग ने हमारी जांच कराई, फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हमारी जांच कराई, अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना रोज एक नई जांच हम पर खोल देते हैं। शुंगलू कमेटी ने 400 से ज्यादा फाइलें हमारी जांच कर ली। सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, लेकिन इनको क्या मिला इस जांच में? भाजपा और भाजपा की एजेंसीज को क्या मिला? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज जब
कोर्ट में सबूत पेश करने की बात आई तो ईडी और सीबीआई के पास रत्ती भर भी सबूत नहीं था यह कहने के लिए कि मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचारी हैं या मनीष सिसोदिया जी ने कोई भ्रष्टाचार किया हो। साथी इसी के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री कहा जाता है, एक ऐसे मंत्री जिन्हें जिन्होंने देश भर में दुनिया भर में शिक्षा जगत में जो काम उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया उसमें भारत देश का नाम रोशन किया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाई, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाकर विश्व स्तरीय शिक्षा देने का दिल्ली के बच्चों का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के 20 लाख से अधिक बच्चों की तकदीर बदल दी, वो व्यक्ति जिन्होंने दिल्ली में आज एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी और नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें गरीब सफाई कर्मचारी का बेटा हो या किसी जज का बेटा हो सब एक डेस्क पे बैठकर एक स्कूल में एक छत के नीचे विश्व स्तरीय शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे महान पुरुष मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की जो साजिश बीजेपी ने रची उसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, भाजपा के नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए, यहां तक कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को इस बदनाम करने की, इस प्रोपेगेंडा को अनलीश कर उन्हें डिफेम करने की जो पूरी साजिश रची आज उसका पर्दाफाश हो गया। साथ ईडी और सीबीआई ने आज जब सबूत देने की बात आई तो उन्होंने ये कोर्ट में कबूला इस चार्जशीट के माध्यम से कि उनके पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे चलता है। एक कथातथित अपराध होता है, उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज होती है, रेड होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर चार्जशीट दर्ज हो जाती है। जब कोर्ट में चार्जशीट दर्ज होती है, चार्जशीट का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पिछले 4-5-6 महीने में जितने सबूत इकट्ठे करे, जितनी रेड करी, जितनी पूछताछ करी, जितनी इंटरोगेशंस करी, उसका सारा लेखा जोखा हम कोर्ट में पेश कर देते और कोर्ट फिर तय करता है कि आरोप जो लगे हैं वो सही है या गलत है। आज जब कोर्ट में सबूत देने की बारी आई, आज जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की बारी आई तो ईडी और सीबीआई के पास रत्ती भर भी मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सबूत नहीं थे। यह सिद्ध करता है कि मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट हमारे सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ईडी सीबीआई ने दिया। साथियों मैं आज साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से जो लगातार मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और एक नया शिगुफा जो बीजेपी ने छोड़ा है कि ये तो पहली चार्जशीट थी, अभी तो और भी चार्जशीट आ सकती है, थोड़े हफ्ते और रुक जाओ, थोड़े महीने और रुको, हो सकता है हमें कुछ और सबूत कोर्ट में पेश कर दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस कथन का भी खंडन करते हुए कहना चाहता हूं कि बीजेपी को अब मुंह छुपाने के लिए, एक फेस सेवर के लिए, अपनी शक्ल बचाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ तो बोलना ही है। जो बीजेपी पिछले 6 महीने से पानी पी पी कर मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, आज वो बीजेपी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे, और सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, अभी तो और सबूत पेश कर रहे हैं, यही बोलेंगे। उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उनसे और क्या चीज की उम्मीद कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक फेस सेवर है। जब आपने एफआईआर में मनीष सिसोदिया जी का नाम रखा, जब आपने एफआईआर में उन्हें अभियुक्त नंबर एक, अक्यूज नंबर वन बनाया, जब आपने 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया और चार्जशीट दाखिल करने की बारी आई तो रत्ती भर भी सबूत आपको मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं मिला, रत्ती भर भी सबूत आप कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। यह भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करता है, भाजपा के नेतृत्व को एक्सपोज करता है और आज मैं साफ तौर पे बीजेपी को कहना चाहता हूं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए
मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की जो कोशिश और साजिश उन्होंने रची उसके लिए। कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी के गौरव भाटिया ने अभी कहा है कि वो कोई चीजें उन्होंने पढ़ी नहीं कि अभी जांच जारी है और जांच में भी आगे बहुत कुछ निकल कर आएगा। ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेस वार्ता में बैठे एक पत्रकार साथी कह रहे हैं कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, एक बड़े नेशनल स्पोक्स पर्सन ने अभी बयान दिया है कि उन्होंने अभी चार्जशीट नहीं पढ़ी, इसलिए वो उस पर कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते और हो सकता है कुछ और सबूत भी आए। यही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिन रात शोर मचाकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्ट कहते थे, आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट कहते थे। और जब चार्जशीट उनके सामने रखी गई तो कहते हैं मैंने चार्जशीट अभी पढ़ी नहीं, हो सकता है अभी और सबूत भी आए, अभी चार्जशीट की कॉपी मेरे पास आई नहीं है, मैंने मंगवाई है। अब उन्हें शाम सूंघ गया। दिन रात हमें गालियां देते थे, दिन रात पानी पी पी कर मनीष सिसोदिया जी को गालियां देते थे, बदनाम करने की कोशिशें करते थे, और जब आज कोर्ट में भाजपा की एजेंसियां सबूत नहीं दे पाई, क्लीन चिट देनी पड़ी मनीष सिसोदिया जी को, तो कहते हैं अभी ईडी की चार्जशीट मेरे पास नहीं है, मैं पढ़कर उस पर बयान दूंगा, हो सकता है कुछ और सबूत भी आ जाए। आज बीजेपी, बीजेपी के नेताओं को, स्पोक्स पर्सन को, नेतृत्व को, सबको माफी मांगनी चाहिए, कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए मनीष सिसोदिया जी से उन्हें इस बदनाम करने की साजिश के चलते। अगर सबूत होते, आप खुद सोचिए, चुनाव से चार दिन पहले और चुनाव से एमसीडी चुनाव से सात दिन पहले अगर भाजपा के पास रत्ती भर भी सबूत होते तो क्या भाजपा उसे बढ़ चढ़कर नहीं दिखाती? जब भाजपा के पास कोई सबूत नहीं होते हैं तो भाजपा इतना सबूत, इतना शोर मचाती है, इतने आरोप लगाती है, मन घड़ंत कहानियां सुनाती हैं। अगर भाजपा के पास रत्ती भर भी सबूत होता मनीष जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी कितना बवाल करती। आज इनके पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता है, ये सच्चाई है। इकलौती पार्टी जो गुजरात के लोगों के लिए एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का यानी कि आर्थिक उन्नति का मॉडल दे पाई है, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। ना बीजेपी मुद्दों की बात कर रही है, ना और कोई पार्टी मुद्दों की बात कर रही है। और गुजरात चुनाव इस बार परिवर्तन का चुनाव है। सौराष्ट्र हो, उत्तर गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, हर जगह परिवर्तन की आंधी है। लोग इस बार परिवर्तन के लिए वोट देंगे और गुजरात में आज के समय परिवर्तन का मतलब केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में 27 साल से सरकार है, 27 years, दो ढाई दशक से ज्यादा सरकार चलाने के बाद ये आज भी वादा कर रहे हैं। अगर इनकी नियत में होता तो कब का लागू कर चुके होते। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं लागू किया अभी तक आप लोगों ने। ये झूठे वादे हैं, बीजेपी कभी भी लागू नहीं करेगी।